क्या तू दे 5000 दे दे आरो चाहिए को मेरा राशि कम कर रहा मैं सारी पिक्चर बना रहा ओ आदाब 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 एक रोज मैंने दबाया तो बुरा मान गए या इलाहुल आलमी तुम बेनियाज कर दो सस्ते कद्दू तोरी और प्याज एक दिन बैठे बिठाए ये जनू मुझको हुआ अपने घर से मैं निकल कर उनके दर पे जा लगा देखा जो हुस्न यार अंधेरा सा छा गया अम्मी तो उसके पास थी अब्बा भी आ गया आए थे सामने से वो जुल्फों को यूं झटक कर 71, 72, 73, 74, 75 अब लिखता हूँ खतावार हूँ घर के सब मर गए खुद बीमार हूँ सांस भी रुक रुक के आ रही है यार शायद कहीं चलना बस हूँ जिसको मिलना है मिलने आकर वरना जाने के लिए तैयार हूँ एक किरण आई है मदीने से मना करती है सिगरेट पीने से जब डाल माल धन को जिसने दिया है तन को देगा वही कफन को मिटा डालो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो जैसे दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है बाद मरने के मेरी कब्र पे रखना पटड़ा लोग समझेंगे घास खा के मर गया कटड़ा गाँव ने लूटा चरता में कहाँ दम था मेरी दावत माऊई जहाँ खाना कम था आए थे वो मजार पे दिया बुझा के चल दिए दिए में जितना तेल था सर पे लगा के चल दिए हमने उनकी याद में रो रो के आंसू के टप भर दिए और वो इतने बेवफा निकले उसी में ना के चल दिए सहूरे नदारत बेसहूरे रबा मंगाया था चिमटा ले आए तवा मिट्टी से विष्णु बने रम से बने है राम ढंग से भोले शंकर बनते थर्रा से हनुमान जैसे दुनिया बावरी पाथर पूजन जाए घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका आटा खाए तो आओ मुसलमानों घर के बर्तन लग बिलस कर बिकवाए घर का भेदी घर का भेदी घर का भेदी लंका भाए आ चलो सब कलियर जाए चप्पल जूते ठा कर लाए मिलजुल कर सबका तुड़वाए घर का भेदी लंका भाए चाय के कप से उठते ही धुएं में तेरी सूरत नजर आती है तेरे ख्यालों में डूब कर मेरी चाय ठंडी हो जाती मुर्गी की तरह यूं ना कुरकुराइए अंडे अगर देने हैं तो पर्दे में जाइए और अपने हुस्न पर इस कदर गुरूर ना कर दो पल की तो मस्ती है तुम्हारा हुस्न है जब तक फेरन लवली सस्ती आपने मेरा दिल बदल लिया फिर मेरे दिल की धड़कन बदल ली जब कुछ ना रहा मेरे पास बदलने को फिर मेरी नई चप्पल बदल ली जब खामोश हो जाते हैं जब तुम सामने आते हो सांसें रुक सी जाती हैं जब तुम पलकें बिछाते हो नींदें उड़ सी जाती हैं जब तुम ख्वाबों में आते हो मैं दिल का मरीज हूँ मुझे इतना क्यों डराते हो मैं तेरा चांद तू मेरी चंद्रमुखी तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी जो तुझसे गया वो मुझसे गया चलो किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दे फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी जब गिर जाए दोनों नीचे दुनिया कहेगी मर गए हाय घर का भेदी लंका भाई घर का भेदी दिल खुश हो जा मेरे दोनों पैर जमीन पर ना रहो नु गाड़ी फांस पे लगा ले अब जब मैं रुड़की से आ रहा एक लड़की स्कूल में गाना गाती जा रही कहने लगी होठ रसीले मेरे होठ रसीले मैं सुन लिया मैं उसके थोड़े जा कहना मां जूस की दुकान खोले मैं पी लूंगा कभी बाद में ओ हंसता भी नहीं एक गाना सुना रहा मैं कितना मनहूस चेहरा भैंगी आंखें कितना मनहूस चेहरा कितनी भैंगी आंखें कितनी भैंगी आंखें तेरी आंख में भैंस का बाल कुदरत ने बनाया होगा हवड़ दौड़ में तुझे कुदरत ने बनाया होगा हवड़ दौड़ में तुझे मेरे कितना मनहूस चेहरा दुनिया में मनहूस और भी है तेरा जैसा खड़ूस कोई नहीं तू झुके तो कलियां झुक जाए तुझे देख के बाल भी शर्माए तेरी कंजरो जैसी तेरी मेंढक जैसी चाल
अरे छेद पीट के आज पता नहीं से हटा लेंगे तेरी खाल, कुड़की की सब्जी मंडी से ला के मिला लेंगे तुझ में आज, कुदरत ने बनाया होगा हवड़ तवड़ में तुम्हें मरे, तेरी नजर झुके तो कुत्ते मरे, तू देखे ना मुझे जा भाग जा परे, जी चाहता है पैर पकड़ के दीवार में मार दू आज, कुदरत ने बनाया ओ हवल दौड़ में तुझे मरे, इतना मनुष्य चेहरा रम खत्म। देखो भाई शुक्रो भाई, अगर कहीं पंडित ना हो और किसी के फेरे फिरवाने हो तो मुझे बुला लियो, जिसके फेरे मैंने फिरवा दिया आज तक वो घर नहीं बसा रहा, लचाक कभी नहीं बसा रहा, क्योंकि भाई देखो मैं भी नहीं चाहता किसी का भला हो, है ना भाई, देखो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत, और मेरे अंदर इतनी इंसानियत है मेरे भरोसे कहीं भी लड़ पड़े लगा कम से छिटक जाओगे, हमदर्दी का होना आदमी के अंदर बहुत जरूरी है, क्या कह रहा हूँ किनारों खड़े हो धक्का है नहीं, तो देखो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत, तो अगर कहीं पंडित ना और किसी के फेरे फिरवाने हो ओम भूर्भु स्वेता सर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम बुज्जु मेरा जुमा। आज सवेरे दाग मेरे पास एक मेहमान मेरे पास आ गया, कहने लगा एक गिलास पानी का पिला दे, ध्यान से सुनियो, मेहमान आ गया कहने लगा एक गिलास पानी का पिला दे, मैं कहने लगा घड़े मो, कहने लगा घड़ा कहाँ, मैंने कहा रसोई मो, कहने लगा रसोई कहाँ, मैंने कहा घर मो, कहने लगा घर कहाँ, मैं कहा भाई गाँव मो, कहने लगा गाँव कहाँ, मैं कहा रुड़की मो, कहने लगा रुड़की कहाँ, मैं कहा हरिद्वार मो, कहने लगा हरिद्वार कहाँ, मैं कहा उत्तराचल मो, कहने लगा उत्तराचल कहाँ, मैं कहा भारत मो, कहने लगा भारत कहाँ, मैं कहा एशिया मो, कहने लगा एशिया कहाँ, मैं कहा जमीन पो, कहने लगा जमीन कहाँ, मैं कहा पानी मो, कहने लगा पानी कहाँ, मैं कहा घड़े मो। अरे ईमानदार की बात है, मेरे एक हाथ देखते बता दूंगा जीने का नहीं इतना तजर्बा। अभी रुड़की में एक बच्चों को नमोनिया हो गया था, उसकी खांसी नहीं जा रही थी, जितने डॉक्टर थे सबने जवाब दे दिया, कहने लगे इसकी खांसी नहीं जा रही, किसी ने मेरा एड्रेस दे दिया मेरे पास लाए, कहने लगे जी इसकी खांसी नहीं जा रही, तो मैंने उसे डाल दिया घी की उंगली चटा दिया, फ्रिज का पानी पिया दिया, खांसी तो किसी भी चली गई, हल्के फुलके सांस चल लेते तो गला दबा दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं, कब्र स्थान आराम से रहना भाई, जब आदमी किसी काम को करने लगो ना उसका तजर्बा हो जा मंगलम बुद्ध मेरा जुमा है, कृपाल धर्मपाल मूर्ति और संयोगता है, चूड़ा बड़ी दिनेश में सुरेश बैठ कर है, चूड़ा जमन किसमित पिस्ता बदाम खा है, हाथ से हाथ जोड़ के अपना सर फोड़ के मेरे साथ चक्कर लगवा है, हरिद्वार की पेड़ी पे जाके चप्पल जूते ढाके चारों तरफ से अपना घास तुड़वा है, कन्या को बुलाओ कन्या के पिता को बुलाओ, बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा दुखी रहना नारायण। दिल्ली वाला तुम्हारे लेडीज मेहमान आई थी, वह एक दो दिन रहने के बाद कहने लगी मैं तो चलूँ अपने घर, तो मैं जान लगी, अरे भाई सुन ले यार, तो वह कहने लगी मैं तो चलूँ, तो उनके यहाँ एक बूढ़ी आती, वह कहने लगी चलो मैं तुम्हें स्टेशन को बिठाया हूँ, तो वह ले गो स्टेशन को बिठान चली गई, अब रेल आई और रेल आने के बाद चलती होगी, और मैं बात तो लग गई आपस में बात करने लगी, और से बात करने लगा अक्सर, तो टीटी ने पूछा कहाँ जाओगे जी, हमें तो फलानी जगह जाना, तो टीटी ने पहले तो मेहमान को बिठाया रेल के डिब्बे में जल्दी जल्दी रेल में फटाफट, फिर वो बच्चा था वो बिठाया, अब एक कपड़ों की पटोकली थी भाभी रेल के डिब्बे में रख दी, और वह बुढ़िया ने छोड़ने आई थी, टीटी ने सोचा अभी इनके साथ आई थी, वह उन्हें बिठान हाथ हाथ पैर पकड़ कर रेल के डिब्बे की तरफ को लेकर चल गया, हाथ पाँ हला रही नुकहरी इंग्लिश बाजा बजवाना होगा, ब्याह शादी में इंग्लिश बैंड बाजा बजवाना होगा, पीछे हो जाओ जरा एक मिनट, भाई मुझे होटल में नौकरी लग गई, तो एक ग्राहक मेरे पास आया कहने लगा आपके होटल में क्या क्या मिलता है ठंडे में, मतलब कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिलता है, वो मेरे से पूछने लगा, मैंने कहा
खस्ता करे रही पापन करे गोला करी पूड़ी वाला पूड़ी बाप जी गरम बहन जी ठंडे मुर्गी के अंडे लेमन कोला कोको कोला माजा ताजा थम्स अप सीटरा मेरिंडा कंचा गोली पेप्सी एशियंड मलेशिया तरी दुताई खेजिया माल सारा विदेश या यूरोप है एशिया लिमका फेंटा थला जान फ्रूटी मेरा लिंडा माल जा ना माल जा होटल तो भानु कह रहा राजा राजा लैटिन करियो अब थोड़ी देर में घूम को फिर आया हो कहने लगा भाई खाने में बता दे खाने में क्या मिलो मैं कहने लगा मटर पनीर आलू पनीर साग पनीर चना मसाला में छोटे दाल भात दाल मूंग की दाल हरकी दाल काली दाल शाही कबाब शाम का नसीब का शीर मालिश तू मटर बिरयानी चिकन बड़ा हलवा पराठा मुरमुरे बोल लो क्या खाओगे तो अपने घर वाले को फोन कर रहा कहने लगा खाने में क्या खाऊं यहाँ तो सब रोल बदौलो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पे फोन आया कहने लगा हेलो मैं कहा हाँ हेलो रे एक आदमी मेरे जानने वाला मिल गया कहने लगा क्या हाल है मैं कहा क्यों भाई दवाई लेकर देगा कहने लगा यार तू मजाक ना कर अगर तू सीरियस होगा ना बता तू रहोगा मैं कहा भाई जमीन पर रहूं कहने लगा घर कहाँ था मैं कहा अभी जमीन को कहने लगा अच्छा फिर तुझे कसम तू ना बता तू करोगा मैं कहा भाई सुबह रुको तो लैटरिन करूँ एक बार भाई देखते रहो ऐसा ना करो एक बार मेरी साइकिल खराब हो गई तो मिस्त्री मेरे पास आया कहने लगा मैं कहने लगा मिस्त्री को मैं कहा भाई से ठीक कर दे साइकिल को मिस्त्री कहने लगा भाई इसमें सामान क्या क्या गिनना मैंने कहा हैंडल पेंडी सैंडल गद्दी चैन कर बटन शर्ट गोल गिर मरका सका रिम सिम टैटू मुट्टे सुट्टे स्प्रिंग सिर पे स्पोक्स स्पोक ताला वाला घंटी वंटी फोन कटोरी बिरा सिरा कुत्ते फिरी पूरा वरा तो मिस्त्री ने कह रहा 2,500 रुपये ले आने भी साइकिल खिंचवा दूँ ऐसे ना ठीक करवा समोसे ताजमहल टी गोदरेज फ्रेट है ईट मार का साबुन लखानी पाटा का हवाई चप्पल मैं लेडी खाते हो चॉकलेट खाते हो डला खाते हो पत्थर खाते हो गन्ना चूसते हो खड़ों को मूदते हो दांत सर जाएंगे ऐसे में आपको चाहिए हिंदुस्तान लीवर का नाप पैप सूडन ब्रश करने के घंटे के बाद जबड़ा बाहर आंखों में लाली सुर्खी नखो ना तिंगोड़ आंख से पानी चलता है नजले के आगे ढलके के आगे आंखों की तमाम बीमारी के लिए अलीगढ़ वालों का 40 साल पुराना आंख खोड़ सुरमा इस आंख से मेरे भाई को कम दिखाई देता हो उस आंख में एक सलाई छोटे टाइम डालिए अगले दिन सुबह तक दोनों आंखें बाहर पेट में गैस बनती हो कब्ज रहता हो भूख नहीं लगती खाना जमने होता बहुत से मेरे भाई लैट्रिन में जाते हैं बीड़ी में दम मारते हैं जोड़ लगाते हैं पल्ले कुछ नहीं पड़ता पेट की हर बीमारी के लिए अलीगढ़ वालों का 40 साल पुराना पेट खोल चूरन एक फंगी सोते टाइम लीजिए अगले दिन सुबह तक पूरा पेट बाहर सर दर्द बदन दर्द सर्दी जुकाम अब आप क्या करेंगे रुड़की की नहर में डूब कर मर जाएंगे भाभी जरा हथौड़ा देना फिर फोड़ दूं वाह भैया वाह बदन के लिए दूध बादाम सिर के लो थोड़ा खुदरे दांत में सुधो की परत खराब करके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते इनका इलाज हथौड़ा नहीं घने बेटा मरते हुए आदमी के मुंह में क्या डालना चाहिए पिताजी बिल्ला प्लस सीमेंट ये आपके मोहल्ले में आपके शहर में आपके कस्बे में किसी के साथ चल ले मरने के करीब है घबराइए नहीं फौरन इसके मुंह में डाल दीजिए बिल्ला प्लस सीमेंट ओके आसियाने उड़ जाते हैं हम दे टूट जाते हैं पेड़ उखड़ जाते हैं उन तूफानों में हम अपने कपड़े सुखाते हैं फायर को आग न गोलियों की बौछार से हम अगर डरते हैं तो घरवाली की मार से ओम प्रकाश पुरानी फिल्मों में कहीं ज्यादा आओ वो स्टेज पर और कहो मारा बेटा हमारे हुक्म की तालीम की जाए अनार कली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे जाओ अनार कली को रुड़की में घनेशपुर के पुल पे नहर में धक्का दे दो ये हाथ हमको दे दे ठाकुर ये हाथ हमको दे दे ठाकुर ये हाथ हमको दे दे ठाकुर क्यों सब्जी बनाओगा अरे ओ सांबा कितने आदमी थे सरदार पता नहीं मैं तो और गिनना था बसंती एक आती पीढ़ी है गाँव में लक्षण चल रहा था अब मैं बोलता रहूँ बस खत्म कर दू बस और क्या आखिरी डालो नहीं यार गाँव में लक्षण चल रहा था तो जब